पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। प्रीता, ये रहे आपके दोनों बच्चे। एक माँ सब जानती है कि उसके बच्चे कब ठीक होते हैं कब नहीं होते हैं। उसे तो सबसे पहले एहसास हो जाता है। तेरी दिल की बात हम ही नहीं समझ पाए। अभी कुछ देर पहले जो तुझे वो एंजाइटी अटैक आया था, वो पोस्ट डिलीवरी सिम्टम्स नहीं थे। तू दिली दिल में शायद जानती थी कि तेरे बच्चे ठीक नहीं है। हमें बोलने की कोशिश भी की तूने, लेकिन हम में से कोई समझ भी नहीं पाया। हमें लगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो शायद तू कुछ भी बोल रही है। लेकिन तू चिंता मत कर, सच्चाई का पता चल गया है हमें। तू डरना बिल्कुल नहीं, एक माँ में तो बहुत शक्ति होती है। वो पाताल में भी जाके अपने बच्चों को ढूंढ लाएगी। अगर आज तू यहाँ बेहोश नहीं होती ना, तो वहां अंजलि के पीछे जाके अपने बच्चे को वापस यहाँ ले आती। मेरी तो मति मारी गई थी कि मैंने डॉक्टर को क्यों अलाउ किया तुझे इंजेक्शन देने के लिए। ना वो इंजेक्शन देती और ना यहाँ तू बिस्तर पे होती। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी दिल की बात समझ नहीं पाई। I'm really sorry, I'm sorry. लेकिन मैं वादा करती हूँ, तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब साथ हैं, रास्ता निकल जाएगा। भगवान हमें रास्ता दिखाएगा, ठीक है? प्रीता, प्रीता क्या हो रहा है पुत्र? मेरे बच्चे, पुत्र क्या हो रहा है तुझे? डॉक्टर, मेरे बच्चे ठीक है? मेरे बच्चे कहाँ है? ठीक है, ठीक। डॉक्टर, मेरे बच्चे कहाँ है? बच्चे सब ठीक है, ठीक है। मेरे बच्चे यहीं पे है, कोई टेंशन वाली नहीं है। डॉक्टर, इसे देखिए क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, प्रीता ना अंजलि बच्चा ले गई है, लेकिन तू टेंशन मत कर, अर्जुन गया है उसके पीछे, वो बेबी को वापस ला देगा। डॉक्टर प्लीज चेक हो, प्लीज आइए। रिलैक्स। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।